कोतवाली पुलिस ने नथमल पेट्रोल पंप पर घटना घटित करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार और निकाला जुलूस। शहडोल मुख्यालय में चौपाटी के सामने स्थित नथमल सरावगी पेट्रोल पंप पर दो व्यक्तियों द्वारा पेट्रोल बम फेंकने की घटना कारित करने पर फरियादी अतुल कुमार मिश्रा नोजल मैन हाल निवासी वार्ड नंबर 25 शहडोल की रिपोर्ट पर दिनांक 12 अप्रैल 2022 को थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 273/2022 धारा 285, 286, 336, 294, 506 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। कोतवाली पुलिस द्वारा दोनों आरोपी रवि सोनी निवासी पुरानी बस्ती शहडोल एवं पंकज और पिंकू बर्मन निवासी अंडरब्रिज के पास पुरानी बस्ती शहडोल को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रत्नाम्बर शुक्ला के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक गिरीश शुक्ला एवं प्रहरी आरक्षक संतोष कोल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह है वारदात की पूरी कहानी। शहर के बीचों बीच चौपाटी के सामने स्थित नथमल सरावगी पेट्रोल पंप में बीती देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टला, जहां दो युवकों ने पेट्रोल से भरे एक प्लास्टिक की बोतल में आग लगाकर पेट्रोल पंप में फेंक दिया। इससे पहले कि आग विकराल रूप ले पाता, वहां उपस्थित एक व्यक्ति ने तत्परता से पानी डालकर आग को बुझाया। देर रात लगभग 11:30 बजे उक्त युवकों ने इस हादसे को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने वाले दो युवकों में से एक युवक की पहचान पेट्रोल पंप में लगे CCTV फुटेज के आधार पर रवि सोनी निवासी अंडरब्रिज के पास के रूप में की गई है। कोतवाली पुलिस को संबंधित मामले की शिकायत कर जानकारी दी गई है। पुलिस ने मामला कायम कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दो युवकों में से जिस युवक की पहचान रवि सोनी के रूप में की गई है, पेट्रोल पंप संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि दो युवकों में से जिस युवक की पहचान रवि सोनी के रूप में की गई है, वह करीब 9:30 बजे शराब के नशे में धुत होकर यहाँ पेट्रोल भरवाने आया था। उस दौरान वह हाथ में सिगरेट लिए हुए था। जलती हुई सिगरेट देखकर पंप के कर्मचारियों ने उसे दूर जाने के लिए समझाया, जिस पर वह विवाद करने लगा। तब कर्मचारियों ने उसे पकड़कर पंप से दूर किया, पेट्रोल पंप को जलाकर उड़ा देने की धमकी। इस दौरान आरोपी पेट्रोल पंप को जलाकर उड़ा देने की धमकी देकर चला गया। इसके बाद वह एक अन्य साथी के साथ पेट्रोल पंप बंद हो जाने के बाद 11:30 बजे के लगभग आया और बोतल में आग लगाकर पेट्रोल पंप की ओर फेंक दिया। गनीमत है कि पेट्रोल पंप को आग अपने गिरफ्त में नहीं ले पाई और समय रहते ही आग को बुझा दिया गया, वरना एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो लगभग 0.5 से 1 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र इस दुर्घटना से प्रभावित होता। चूँकि पेट्रोल पंप के ठीक बगल में ही लकड़ी का टाल है, वहीं कई दुकानें भी संचालित हैं। 11:04 को फरियादी अतुल मिश्रा के द्वारा ये रिपोर्ट की गई कि उसके पेट्रोल पंप पर दो लड़के आए और उन्होंने कुछ पैसे का लेन देन का उनका विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि जो पैसा उन्होंने दिया है उससे पेट्रोल कम डाला गया। इस विवाद के बाद वो लड़के वापस गए और उसके बाद एक बोतल में ज्वलनशील पदार्थ लेके और उन्होंने वहाँ पे फेंका। यद्यपि कोई बड़ी दुर्घटना घटित नहीं हो पाई, लेकिन तब भी प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल आरोपी को चिन्हित किया गया CCTV फुटेज के आधार पे और फिर उनकी गिरफ्तारी की करके और उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया।